आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी भक्तों को दिक्कत नहीं है, बाकी सबको दिक्कत है, सभी देशभक्तों को दिक्कत है। जो बालकनी में धनिया पुदीना मिर्ची उगाते हैं, जो खेत में उगाते हैं वो विरोध में है। बालकनी वाले किसान सब पक्ष में समझा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले किसान हैं, कैसे फायदा होगा बालकनी में जो धनिया मिर्च उगाते हैं। जो अभी एक आपने देखा होगा, एक फिल्मी अभिनेत्री का बहुत नाम आ रहा है, कल उनकी एक झड़प हुई है सोशल मीडिया पे ही। उन्होंने किसानों को कहा गिद्ध, और जो यहाँ पे आए हैं वो नकली है। नकली तो वो खुद है, वो अपने हिमाचल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, सब लोकसभा चुनाव वहां से लड़ेंगी, और आपके अर्णव गोस्वामी भी आसाम से लड़ेंगे, सबकी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, आने वाले समय के नेता तैयार किए जा रहे हैं, ये गिद्ध खुद हैं, समाज के गिद्ध हैं। मोदी भक्तों को ये है कि सरकार हमारी है, बस ये है, सरकार है तो सरकार हमारी है। जैसे बवासीर का दर्द होता है ना, लोग बताने में छुपते हैं, वो भी छुप रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी चली जाएगी तो वो होगा दर्द, उनको भी है। कल उनको भी आलू 50 रुपए आज भी मिल रहा है, कल भी 100 रुपए में मिलेगा, लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रही, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत कमीशन खोरी चल रही होगी, काम चल रहा है, अभी उस बीमारी को छुपा रहे हैं, उजागर नहीं कर रहे। क्या लगता है कि अगर सरकार संशोधन को करके आती है या पूरा इसको माफ करे, कैसे देखते हैं? संशोधन करके ना, जो आयोग कौन सा आना था, वो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसान कमेटियों से बैठ के बात करे, स्वामीनाथन आयोग में संशोधन करके बिल लाए, ये काले बिल बिल्कुल नाकार हैं, अस्वीकार हैं। क्या सर अपना परिचय दे दें? प्रदीप कुमार यादव, आजमगढ़ से हूँ, दिल्ली में परमानेंट रहता हूँ। ये तो सिर्फ ट्रायल है, 6-6 महीने के लिए राशन लेके बैठे हुए हैं। मैं सिंगू बॉर्डर पे जो चार दिन रहा हूँ, और अभी पिछले 4 दिन से यहाँ रहा हूँ, और कल रात में पूरे दिन जो किसानों के साथ इस ब्रिज के नीचे सोया हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं दर्द सुनने के लिए, इन लोगों की पीड़ा सुनने के लिए, मैं भी अगर आज इनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ अगर एक डॉक्टर इसके लिए आ सकता है, एक इंजीनियर इसके साथ आ सकता है, एक ही भाई साहब बिजनेसमैन है, ये अगर आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ पूरा भारतवर्ष आज एक है। चाहे वो मैदान में है या नहीं है, चाहे वो सड़क पर हमारे यहाँ पर है या नहीं है, घर बैठे बैठे लोगों से जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो घर बैठे बैठे लोग जो इसके प्रॉपर इसके सपोर्ट में हैं, और इसका शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और अगर ये सरकार भेदभाव करने की कोशिश कर रही है, इसको 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 खत्म करने की कोशिश कर रही है, और अपने कुछ नुमाइंदे हमारे बीच में लाकर भी ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की आशंका हम सब किसानों को यहाँ है, और उसकी पहरेदारी हम जैसे पढ़े लिखे तबके, हम जैसे लोग, हम रात को यहाँ पहरा देकर देख रहे हैं कि कोई ऐसा उनका एजेंट तो हमारे बीच में ना घुस जाए कि जो आके हमारे इस आंदोलन को, इस शांतिपूर्वक आंदोलन को खत्म करे। क्योंकि ऐसे ही सिंगू बॉर्डर पर एक बार छोटी सी झड़प हो चुकी है, आप सब मीडिया वालों को पता है, तो ऐसी दोबारा घटना हमारे यहाँ ना हो जाए, और हमारे जो नेता, जो किसान नेता हैं जो वहाँ बात कर रहे हैं, समाधान निकले या नहीं निकले, लेकिन किसान निकल पड़ा है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भारतीय है सर। चल रहा है और इस पर भी सरकार कह रही है इसको लेकर के कि मतलब कि ये प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। अरे भाई साहब, बिहार आपने कवर किया था, आप लोगों ने बिहार कवर करने गए थे ना, तो आपने वहाँ कोरोना नहीं था क्या? तेलंगाना आप बाकी देख लीजिए, अभी तेलंगाना में देख लीजिए, वहाँ भी तो कोरोना था। और ये किसान अपने कोरोना को देखेगा अभी यहाँ पर, या अपने पेट को देखेगा, जिसके आगे भविष्य को इन्होंने अंधकार में करने की योजनाएं बना ली हैं, जो ऐसे काले कानून ला दिए जिसमें सिर्फ गुलामी दिखाई दे रही है किसान को क्या, हम पढ़े लिखे लोगों को भी दिखाई दे रही है। और इसीलिए हम लोग आज रोड पे आए कि अगर ये कानून लागू हो गए, कानून तो बन गए हैं, अगर ये लागू हो गए, इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए, तो ये सिर्फ मजदूर बनाकर छोड़ देगा इस 60-70% पॉपुलेशन जो इंडिया की है, ये इनकी रणनीति है। और अगर रणनीति नहीं होती, तो इस तरह गुपचुप तरीके से कोरोना टाइम में विधेयक नहीं लाए जाते। विधेयक अगर कानून के हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो विधेयक आपातकालीन स्थिति में आए जाते हैं, युद्ध की स्थिति में लाए जाते हैं, ऐसे नहीं लाए जाते कि चुप लाओ किसी को, अरे मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा कानून है, मुझसे पूछ तो लेते आप। वेरी गुड। मैं भाई साहब, मैं आपसे अगर पूछूंगा कि मैं आपके लिए लाना चाहता हूं, तो मैं आपके पास आऊंगा ना कि विमल कुमार जी, मैं आपके लिए ये देने वाला हूं, ये चीजें देते, तो आप भी खुश होंगे। आप कहने के बाद अब आप 8-8 घंटे की प्रेजेंटेशन देके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि ये किसान मूर्ख है, बेवकूफ है? आज थोड़े बहुत मजदूर और किसानों के बच्चे पढ़ चुके हैं,
और उनमें से एक हम आपके सामने खड़े हैं और आज इस आंदोलन को हम लोग किसी भी तरह से विफल नहीं होने देंगे और हमें जो हमें डर है जो हमें आशंका है उसके लिए हम पहरेदारी 24 घंटे यहां पर करते रहेंगे और उन पे नजर भी हमारी रखी रहेगी। ये ड्रोन कैमरा कितने भी लगा लें हमारे भी दो दो आंखें सबकी लगी हुई है इनके ऊपर जो है तो ये और ये दिल्ली अब दूर नहीं है, ये दिल्ली अब दूर नहीं है, ये किसान आंदोलित है, घरों में जो बैठा हुआ किसान है, जिस दिन यहाँ थोड़ा सा इशारा होगा हम दिल्ली फतेह कर लेंगे।